आज मंत्रिपरिषद में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत राज्य सरकार राज्य में जो 1 से 10 में पढ़ने अध्ययनरत जो छात्र हैं छात्राएं हैं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी थी दी है। आपका जानकारी होगा कि भारत सरकार ने इस वर्ष इस योजना को परिवर्तित करके पीएम यशस्वी योजना करके लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत 1 से 8 क्लास तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो राशि निर्गत की जाती थी वह भी बहुत ही कम थी। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी पूर्व में 50-50 रेशियो पे, तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य में हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट कर हम लोग एक अपनी राज्य की योजना बनाएंगे और राज्य सरकार अपनी योजना के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्र की योजना संचालित करेगी। जहाँ तक छात्रवृत्ति के मापदंड हैं भुगतान के मापदंड हैं वो यथावत पूर्व की योजना के अनुरूप ही हैं। कक्षा 1 से 4 तक 50 रुपये प्रतिमा, 5 से 6 100 रुपये प्रतिमा, 7 से 10 150 रुपये प्रतिमा और कक्षा 1 से 10 250 रुपये प्रतिमा। तो जो पूर्व में छात्रों को मिलता रहा है वह यथावत मिलता रहेगा। परिवर्तन इतना ही है कि भारत सरकार की योजना को अब राज्य सरकार कार्यान्वित नहीं कर अपनी योजना के माध्यम से इसको कार्यान्वित करेगी, क्योंकि भारत सरकार ने संशोधित कर अनेक घटकों में राशि को बंद कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे छात्र छात्राओं के लिए, यह जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। थारू क्षेत्र जहाँ पर आपको याद होगा कि अभी समाधान यात्रा जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ पे थरुवट विकास योजना संचालित है थारू क्षेत्र में, तो 29,28,35,400 करोड़ की थरुवट विकास के लिए स्वीकृत है की गई है और साथ ही साथ ये पूर्व से चलती हुई योजना है जिसको 24-25 तक विस्तारित किया गया है। जैविक खेती एक महत्वपूर्ण योजना है राज्य में और ये राज्य सरकार अपने राशि से राज्य योजना मद से इसको संचालित करती आ रही है। जैविक कॉरिडोर आपको जानकारी होगा और अब 22-23 से 24-25 तक 3 वर्षों के लिए कुल 104,36,03,000 रुपये लागत से यह जैविक खेती की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत हर वर्ष खेत के अनुसार अनुदान है हर खेत लगाने का, साथ ही साथ प्रमाणीकरण भी है, इसका ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अनुदान है, साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन है उसके लिए भी अनुदान है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत। तो ये 13 जिलों में कार्यरत है, 13 जिलों में 104,36,03,500 रुपये। बिहार रूरल रोड प्रोजेक्ट है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन पर ये संचालित है। करीब 8,000 करोड़ पूर्व में लोन लिया गया था 4,000 किलोमीटर के लिए और इसमें करीब 1300 जो किलोमीटर है वह अन्य योजना से बन गया जिस कारण से इसको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ी है। विभाग ने इसके 1300 किलोमीटर के स्थान पर 1,467 किलोमीटर का प्रस्ताव लाया गया है और पूर्व में 26 जिलों को एक्सटेंड करते हुए इसको 38 जिले कर दिए गए हैं। तो ये केवल रिप्लेसमेंट है जो योजनाएं अन्य योजना से बढ़ गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का है, यह शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022, आपको जानकारी होगा कि दिखते होंगे कि पूरे शहर में इश्तिहार जो एडवर्टाइजमेंट है
वह किस प्रकार लगाए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने इसको नियंत्रित कर इसको सुव्यवस्थित करने के लिए निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब जो एडवर्टाइजमेंट स्पेस है उसके लिए ऑक्शन किया जाना है। नंबर 2, किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट लगाए जाएंगे इसका भी निर्धारित इस नियमावली में किया गया है। किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाए जाएंगे यह भी इस पर निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ यह नियमावली में स्पष्ट की गई है कि जो टाउन का जो लुक है वो बरकरार रहे, अच्छा रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए यह नियमावली में व्यवस्था की गई है, ताकि सुव्यवस्थित दिखे सभी एडवर्टाइजमेंट। और स्थल भी वैसे इसी प्रकार निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही साथ ही रेट और जो रेट है वो ऑप्शन के माध्यम से है, और एप्लीकेशन की प्रक्रिया भी निर्धारित किया गया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के शहरों में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियमावली है, जिसे बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 प्रकाशित है। अभी हर नगर निगम का अपना नियम था, वो अपना एडवर्टाइज करती थी, अपना क्षेत्र, अपना कुछ। आपको याद होगा कि ये पहले एक शुल्क लगाया जाता था एडवर्टाइजमेंट में, और साथ ही साथ इसमें 18% GST भी लगता है। तो डबल टैक्सेशन का मामले को लेके कुछ भुगतान उगतान में भी काफ़ी विवाद हो गया था। तो अब हम लोग इसको लाइसेंस फ़ी के रूप में लेंगे, लाइसेंस फ़ी के रूप में इसको लिया जाएगा, और इसलिए यह व्यवस्था की गई है। और इससे नगर पालिकाओं में और जो नगर निगम और नगर निकायों में करीब 300 करोड़ के आसपास अनुमानित आय की संभावना है। तो काफ़ी नगर निकायों में आय की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपके एडवर्टाइजमेंट सुने सुव्यवस्थित होंगे, और इधर उधर बेतरकीब आप कहीं लगा नहीं पाएंगे एडवर्टाइजमेंट। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मंत्रिपरिषद आपदा प्रबंधन नियमावली, सेवा संबंध नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई थी। उसी के अंतर्गत 57 पदों का सृजन है, जिसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का 43, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी 11 एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का 3 पद है। तो यह एक आपदा जो नियमावली गठित हुई थी उसी के अंतर्गत ये अब 3 पदों का सृजन है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग ने पटना को बंटवारा करके नए जिलों का गठन किया है, और ताकि जो मद्य निषेध का जो अभियान चल रहा है उसमें और गति मिले। पटना जिले के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध उत्पाद क्षेत्र के रूप में सृजित किया गया, और प्रत्येक नवसृजित मद्य निषेध उत्पाद क्षेत्र के अनुमंडल मुख्यालय में क्षेत्र मद्य निषेध में उत्पाद कार्यालय लगा। तो पूरा पटना जिले को बांट दिया गया है बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर क्षेत्र में। तो इसको अलग क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ताकि और इसको प्रभावी ढंग से मद्य निषेध का जो कार्यक्रम है उसको लागू किया जाए। और इसके लिए नए पद भी सृजित किए हैं, 136 पदों का सृजन इसके लिए किया गया है। तारामंडल, आपको जानकारी होगा कि जो दरभंगा है वो बनकर तैयार हो गया है, उसके संचालन के लिए 12 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भागलपुर में ये पहले स्पिनिंग मिल चलता था, भागलपुर में खाली ज़मीन थी और वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट टाइप कुछ चलता था। अब वहाँ पर एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था वहाँ पे बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 76 पदों की स्वीकृति का के सृजन का प्रस्ताव है, जिसमें 29 शैक्षणिक है, 31 तकनीकी है और 16 गैर शैक्षणिक पद हैं। तो अब ये नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भागलपुर में शुरुआत होगी। विकास के लिए राज्य सरकार ने 50 साल का ऋण लिया है, और इस ऋण के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राशि व्यय होगी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का विकास हाजीपुर फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास कुमारबाग फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हथुआ फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास सिकंदरपुर फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुजफ्फरपुर फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास बरारी भागलपुर फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास गोरौल फेज 2, औद्योगिक क्षेत्र
ग्रोथ सेंटर का विकास बेगूसराय फेज टू, औद्योगिक क्षेत्र का विकास पाटलिपुत्रा फेज टू, औद्योगिक क्षेत्र का विकास लोहट फेज टू। तो कुल 416 करोड़ की योजना है जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत आपके इंडस्ट्री एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ प्लग एंड प्ले जो ये हैं, प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, उसका भी निर्माण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार लाभ देकर कारामुक्त करने की पॉलिसी पर स्वीकृति इस वर्ष भी दी गई है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम फोर्टिफाइड राइस, आपको याद होगा फोर्टिफाइड राइस राज्य में वितरित किया जा रहा है पीडीएस के माध्यम से। जो फोर्टिफाइड राइस जिसको मिक्स किया जाता है, जो चावल जैसे फोर्टिफाइड रहता है आयरन फॉलिक और अन्य विटामिन से, वो काफ़ी देश में शॉर्टेज हो गया होने लगा है। तो ये अब छूट दे दी गई है, सप्लाई पहले SFC करता था इस राइस को, अब ये छूट हमारे राइस मिलर को दे दी गई है कि वे क्षेत्र में देश में किसी भी स्थान से ये प्रोक्योर कर सकते हैं और इसका रेट दर जो है वह SFC निर्धारित करेगी। और साथ ही साथ ये जो लिस्टेड फोर्टिफाइड जो मिक्सचर है वो भारत सरकार तय करेगी कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे और रेट जो है SFC के माध्यम से तय रेट पर लेकर फोर्टिफाइड राइस तैयार किया जा सकता है। हमें विभिन्न राजकीय अभियंत्र महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था, राजकीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, यहाँ पे जो लिपिकीय संवर्ग है, निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक और कार्यालय अधीक्षक है, इन सारे लिपिक का जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है, उसको नॉर्मलाइज किया है और सभी को बराबर कर दिया। कुछ पुराने संस्थाओं में ज़्यादा लिपिक हो गए हैं, कुछ में कम हो गए हैं, तो उसी को बराबर करने का प्रयत्न किया गया। गया में जो हमारा राजकीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और बिहार रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गया है, इसका फेज टू की स्वीकृति दी गई है और इसके अंतर्गत 72,73,24,000 का है। इसके अंतर्गत जो क्वार्टर्स बनने हैं उसकी स्वीकृति दी गई है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्वीकृति दी गई है और लैंडस्केपिंग की स्वीकृति दी गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान होगा जहाँ पे ट्रेनिंग हो सकेगा। निगरानी विभाग में श्री अरुण कुमार ठाकुर कार्यपालक अभियंता और विशेष कार्यपदाधिकारी पदस्थापित थे, जो 31/1/2023 को रिटायर हो गए हैं। इनका नियोजन 2 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है, तो ये आफ्टर रिटायरमेंट नियोजन है। तो यही सब एजेंडा थे जो आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं।